नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीटीयू न्यूज खबरें औरंगाबाद, यानी औरंगाबाद की खबरें। तो आइए आज के हमारे इस सेगमेंट में देखिए कुछ खबरें औरंगाबाद शहर और औरंगाबाद जिले की। हम हाजिर हैं आज औरंगाबाद से जुड़ी कुछ अलग, कुछ खास, अपनापन, जमीनी और दिलचस्प खबरों के इस बुलेटिन के साथ। मौसम का मिजाज, लगातार बारिश के बाद उमस भरी गर्मी की शुरुआत। एक्शन में औरंगाबाद पुलिस, कुल गिरफ्तार कर जेल भेजे गए अभियुक्तों की संख्या 20, वाहन जांच में 7000 से अधिक राजस्व वसूली, कई कांडों में जब्ती भी हुई। मदनपुर थाना क्षेत्र के शिवगंज रफीगंज मुख्य पथ स्थित वार बाजार के समीप ऑटो एवं बाइक में जोरदार टक्कर होने से ऑटो चालक एवं बाइक चालक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। नगर थाना क्षेत्र के सिन्ना कॉलेज के समीप पूर्व से चली आ रही मंदिर के रास्ता विवाद को लेकर औरंगाबाद से घर लौटने के दौरान सड़क पर बाइक रोककर दो दबंगों ने बाइक सवार व्यक्तियों पर हमला कर दिया, जिससे दो लोग जख्मी हो गए। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। एक साल से करीब और उसी दरमियान हमें धमकाया गया। 7 तारीख नापी था, कहा था कि हम मारेंगे, हाइजैक करेंगे। हाइजैक किया भी गिने चुने लोगों पर, और उसी हाइजैक के जो इंक्वायरी हमारे पास आए थे, बोले कि क्या कितनी समझ लेना, और हम लोग समझने आए थे और समझ के यहाँ से नकल उकल लेके जा रहे थे। वो कहे कि बाबू बिल करा लेना। इस दरमियान जब वापस जा रहे थे तो मछली बाजार से हमारे पीछे लगा और सिन्हा कॉलेज से तकरीबन 10 मीटर आगे जाने के बाद पासवान टोला तक टेक लिया। टेकने के बाद मारा हम लोग लपड़े झपड़े, और उसके बाद एक टेम्पो है, टेम्पो से रड निकाला और रड निकाल के 3-4 रड मारा, और जो मेरे पास 60,000 रुपया था छीन लिया, बाइक के चाबी भी छीन लिया, और किसी तरह हम लोग वहाँ से उत्तर की और बाधार में जाके जान बचा के एक दुकान में छिपे और वहाँ के जनता लोग बचा। औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध खनन परिवहन के विरुद्ध औरंगाबाद पुलिस का अभियान निरंतर जारी है। जिला के वारुण थाना द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 अवैध बालू से लदा ट्रैक्टर जब्त किया गया। औरंगाबाद में आगामी मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम से यू विन नामक नया एप्लीकेशन होगा लॉन्च। टीकाकरण के लिए लाभार्थी स्वयं बुक करेंगे स्टॉल एवं डाउनलोड कर सकेंगे सर्टिफिकेट। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत और हर दिन देखना ना भूलें औरंगाबाद से जुड़ा कुछ अलग, कुछ खास न्यूज का बुलेटिन खबरें औरंगाबाद।